तुम्ही तो अम्मा हो रही हो, तुम्ही व्रत रख लो सबके। व्रत है आज। हेलो हेलो जानवी, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम फिर पहले की तरह आ गए, फिर दोबारा आज हम कहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हमने बताया था ना, तो मैं जाऊंगी आज शादी में, पैकिंग वगैरह हो गई, उसका ब्लॉग मैंने डाल दिया, आप लोग देख लेना। और जानवी ने कॉल करी है, वो बोल रही है हैप्पी बर्थडे रिया दीदी, क्योंकि वो यहाँ पे है नहीं। मैंने चलना लोअर टी शर्ट, बिल्कुल कम्फर्टेबल, क्योंकि ट्रेन भैया लेट भी हो सकती है, वो लोग अभी नहीं पहुँचे हैं, इसीलिए हैप्पी बर्थडे बोलो भैया रिया को, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। एक तो जानवी की कॉल आ गई, तो सुबह से भूल रहे, और जाना भी, वो भी टेंशन है एक दिमाग में, पन्नी कर रहे हैं, इनमें मछली हम भेज दें और छोटी छोटी मछली मंगा लेंगे, ये बड़ी भेज दें वहाँ पे, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं 5 दिन में हो जाएंगे बिल्कुल बेकार, इससे निकालेंगे नेट से। पानी तो भर लो उसमें यार, अंचल पानी भर के ला, फड़फड़ाएंगी तो है ही, बहुत बड़ी हो गई है गाइस, ये बहुत बड़ी निकल जाएगी, मरेगी थोड़ा ना, यहाँ आ जाएगी, इसमें चारों आ जाएंगी, हाँ आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, और थोड़ा पानी और डालो, डालो डालो, अभी नहीं चलेगा, फट जाएगी, और नहीं तो एक दो इसमें कर ले, दो इसमें कर ले, अरे नहीं, हाँ ये नोटिंग क्यों करा ले तू मेरे से, अभी दो इसमें हो जाएंगी, नहीं, दो इसमें घंटा हो जाएंगी, नहीं नहीं रिया एक ही में सही है, एक ही में सही है, नहीं इसमें कर ले, नहीं निकाल पाओगी उसे, ही निकाल ले दो, ये आ गई पकड़ में गाइस, इसको निकालने दो, अब उसे निकल गई, निकल गई गाइस, फाइनली एक फंस गई हमारी, दूसरी है, ये दूसरी है, खोलो एक, पकड़ गई इसने, बहुत परेशान किया, फड़फड़ाती है इसमें, देख लो कितना परेशान किया, और पानी में ऐसे फड़फड़ाती है, खोल निकालने तो दे उसे, नहीं निकलेगी वो बाहर, ऊपर ना जाए, निकल निकल, चलो मिशन कामयाब, बहुत परेशान कर लिया, एक रह गई बस, फाइनली मेरी फिश आ गई, चारों फिश आ गई, दिखाओ ना उसमें यार, चारों आ गई, अब ये पानी इसी में डाल दे, कैसे फड़फड़ा रही है, थोड़ा सा पानी दे दे, थोड़ा सा, दोनों लोग, एक लोग पकड़ के ले जाओ, एक लोग स्कूटी चला के जाओ, फटाफट जाओ पीछे से, तो हमने निकाल ली अपनी फिश सारी, बैग में रख ली है, हम लोग जा रहे हैं, तो फाइनली हम लोग आ गए दुकान पे अपनी फिश देने, ये दुकान शॉप की नई खुली है हाल फिलहाल में, तो सारी फिशेज हैं यहाँ पे, इस वाले में ये खाली है ना, ये हाँ इसी में डाल दो, चार होंगी ये गए, उसी में फंस गई है, आराम से आराम से, आटा मार रही है, नहीं क्या मार रही थी, चारों आ गए हैं ये, चलो तो हम लोग जा रहे हैं, मैंने दुकान वाले भैया से अपना चैनल सब्सक्राइब करवा रहे हैं, और ऐसे इनका ना ऐसे ऐसे फिश फॉर्म करके है, ठीक है पकड़ना, ऐसी एल एन ऐसे, देखो पैरट्स कितने सारे हैं यहाँ पे, एक बड़े वाले, ये देख ये अलग ही हैं, इनकी दुकान ये है आप देख लो, अगर जैसे लेना हो तो ले लेना, ये गौरैया टाइप लग रही है लेकिन ये यहाँ की नहीं है, चलो चलते हैं, अपनी कॉलोनी के आ गए हैं, रिया का कोई पार्सल है, ये भैया खड़े थे वहीं से आए हैं सीधे, फिर घर जाएंगे, टाणा हूँ, अब हम लोग आ गए हैं गाइस, हम लोग दे आए हैं अपनी फिश को, हम लोग एंट्री कर चुके हैं, बहुत धूप है, बहुत तेज, चलो टेंशन खत्म, मैंने तो ना लिया, अब कर ले तैयारी रिया के सेलिब्रेशन की, क्या कर रही हो, पेटीज लानी है, कोल्ड ड्रिंक लानी है, मैंने अपने बच्चों को बुलाया, बच्चों पार्टी दी है, मतलब मेरे जितने फ्रेंड्स हैं कॉलोनी, बहुत कम है लेकिन, ठीक है चलो ले आओ जल्दी ले आओ, ना लो पहले, समझ में नहीं आई इसलिए उसने 23 कर दी, तो फाइनली हम अपने चाची घर पे आ गए हैं, अब यहाँ से हमें 7 बजे आगरा के लिए प्रस्थान करना होगा, फिर हम लोग जाएंगे आपको सरप्राइज देंगे जब पहुँच जाएंगे, तो दीदी देखो हमने पता चल जाएगा यार, दूसरा फाइनली भैया को भी शॉपिंग करा के ले आए, ये रहा है भैया ने 2 ग्लासेस लिए हैं, कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा, और ये कैप और एक कुर्ता लिया उन्होंने अपने लिए, यार मैं तो पहन ही नहीं सकता हूँ ये, क्योंकि पता है मेरे तो नजर कमजोर है, और ये वाले चश्मे में कुछ दिखता नहीं है मुझे, सनग्लासेस से याद आया, हमारे घर में सामने है, क्योंकि नजर के चश्मे हैं सबके, एक स्टोरी याद आई, मैं 3D मूवी देखने चली गई, और फिर उसके बाद मैं चश्मा नहीं लगा के गई, और वो ब्रह्मास्त्र देखने गई थी मैं, अच्छा, और मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा उसमें, सब इधर से उधर इधर से, देखने गया था एवेंजर्स एंड गेम, भाई साहब मैं तो बताऊं
तो मतलब चश्मा तो लगा के गया ही नहीं था मैं, उसने मुझे 3D ग्लासेस दे दिया। अब वो मैंने देखा एक बंदा वहाँ पे नजर का चश्मा उसके ऊपर 3D ग्लासेस लगा के बैठते हैं, ऐसे देखी जाती है। हम भाई साहब इतने रुपए की टिकट लेकर बैठे हैं, हमारे तो 2D, हमारे तो 2D चल रहा था, 3D था ही नहीं हमारा भाई। आप जिनकी नजर कमजोर है 3D अगर देखने जा रहे हैं, 3D 4D भाई चश्मा लेके जाएं अपना, और उसके ऊपर से वो वाला चश्मा लगाएं 3D वाला। आ गई, अरे वाह, केक का सामान ले आई। इसे पकड़ो अभी और उसमें। मैंने भी खाना बना लिया ले जाने के लिए, पनीर की सब्जी और जी आटा गूंद कर रख लिया, अभी बनाएंगे रोटियां। रिया ये स्वीट्स लाइए खाने के लिए, इसकी हम एक वीडियो बना रहे हैं मम्मी के लिए, शॉर्ट्स 2-3 दिन से शॉर्ट्स नहीं गए हैं एक भी, तो यहीं बना लेंगे बाहर। बंदर घूम रहे हैं देखो, तुरंत चेनो ले जाएंगे हमारा पूरा। अच्छी लग रही ड्रेस, अच्छा लग रहा है, सुंदर देख ले। समय तो आए गए, तुम्हारा इंतजार हो रहा हूँ तो सच में सुमित भी आ गए। अब हम लोग सब रेडी होंगे, अभी केक काटेंगे, उसके बाद रात को निकलेंगे 9 बजे। है रिया, तुम क्या तैयार हो रही हो? आज मेरा बर्थडे, आपको पता नहीं है? तुम्हारा बर्थडे? हाँ। हम आ तो गए, हैप्पी बर्थडे। आ जाओ, कौन है? ओहो, सबसे पहले दर्श आया है। ओहो, मेरा गिफ्ट भी लिया है, थैंक यू। और ये हेयर स्टाइल, ये तो बड़ी अच्छी लग रही है, बाल भी ओके लगा। ओहो नहीं, एक ऊपर से आ गया। चलो हेलो बोल दो सब लोग। दर्शु तो हेयर स्टाइल तो बिगड़ गई, कोई बात नहीं। चलो रिया का केक, ये रहा रिया ने अपने हाथ से बनाया है। चलो 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 चलो, पर्दा पर्दा ये मैंने बनाया, मैंने बनाया ये मैंने। मीतू मुंह खुला रहने से डायरेक्ट थोड़ी केक आ जाएगा, खिलाएंगे तभी आएगा। पापा जी इसकी फ्लेम फ्लेम तेज कर ले और जला दे। जला दूं मैं, जला दूं? और दूर हट जाना भाई, फटफटा सकता है। इनका तो मोए मोए हो गया भाई, इनका तो मोए मोए हो गया काटने से पहले। यार तो ब्लास्ट कर गया यार, ये चीजें नहीं लानी चाहिए भाई, हटा दो अब। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या इतना बेसरा गा रहा हूँ, चलो लेट्स डू दिस। जल्दी जल्दी कर दो फटाफट। मैंने अभी बांट दिया केक, रिव्यू लिया केक का यार। ट्रेन लेट है का, एक घंटा, हाँ एक बजे आएगी वहाँ। जा रहे तुम लोग, रिक्शा ले आओ जल्दी, जाओ चलो जाओ रिक्शा लेके आओ, दो जल्दी निकलो बाहर, सामान निकालो सारा। रिक्शा आ गया, लगेज तो बहुत हो गया इतना सारा। ओ एक वो गया, एक जे गया। हाँ हाँ ले, बाय करोगी बस। हां मैडम भैया, तुम सिर्फ बाय कर देते हो, बेटा ठीक है, बाय बाय। तो फिर हम लोग बाय बाय, जाओ इसे ले दे, अब मिलेंगे आगरा चल के। हमारे पास ये मछली और दीदी धनन कार जी, बाय बाय। हमारी बस मिल गई, अब हम लोग जा रहे हैं आगरा आगरा। और अभी हमें बस में जाएंगे, ये जो बस वाले ना खाना खाएंगे रास्ते में, और हमें वैसे बहुत लेट हो गया है, तो वहां पर हम लोग दूसरी बस ढूंढ रहे हैं। मिल गई हमें जगह, मिल गई। तो फाइनली गाइस हम लोग आगरा कैंट पे आ गए हैं। अरे चुप, आगरा कैंट पहुंच गए हम लोग सारे लोग, थक गए पर। भाई साहब हमें जी डर लग रहा था क्योंकि 12 बजे है, 12:30 बजे की ट्रेन है, हमें लग रहा था हम पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन फाइनली वी हैव रीच्ड अवर डेस्टिनेशन, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। तो फाइनली हम लोग अपने आगरा कैंट में घुस गए हैं। ये देखो ये ताजमहल का रेप्लिका बनाया हुआ है छोटा सा, ये ताजमहल का रेप्लिका बनवाया हुआ भाई, ये बड़ा सही सा लग रहा है यार ये तो। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये देखो कैसे बैठे हैं। चलो भैया लिफ्ट में चलेंगे, देखो अंसुल सामान ले जाते हुए, क्या अरे सबरे मिल गई ना जीना। चलो 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 जल्दी चलो, चलो हम लिफ्ट में बैठ गए, 3 नंबर पे जा रहे हैं। संभल हम तो गिर रहे हैं बिल्कुल भी, देखो आराम से जा रहे, चलो जल्दी चलो। फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है,
सब लोग तैयार हो गए हैं, तैयार हो बोर्ड करने के लिए। तो फाइनली हम लोग ट्रेन में चढ़ गए हैं, लेकिन भाई साहब ट्रेन में इतनी भीड़ है मैं दिखा नहीं सकता आपको, देखो दिखाऊं, लेकिन सो रहे हैं लोग, छोड़ो यार फ्लैश ऑन है मेरा। अब मम्मी भी उधर हैं और मेरे को बहुत मुश्किल से सीट मिली है, हम तीन लोगों को, सब लोग सो रहे हैं, ये देखो आधे लोग गैलरी में डले हुए हैं, तो स्लीपर बुक नहीं करेंगे, मैं सोने जा रहा हूँ। ये देखो बिल्कुल आगे मेरी छत लग रही है, ऊपर बीच वाली सीट हमें मिली है और मेरी छत लग रही है, हम बैठ भी नहीं पा रहे हैं, लेट ले सीट वीट हमें मिली नहीं, हम लोगों को बहुत परेशानी हुआ है सच में बहुत। ये लेटी है बुलबुल, आराम कर रही है। कहाँ पे पहुँची हूँ? धीरपुर। अब बस एक घंटे का रन रह गया है, अब इतना परेशान हो गए, डंगा ढोली इतनी हमारी हो गई थी, जनरल में फिर एसी वाले में फिर स्लीपर में गए थे, और टिकट की बहुत मारामारी हो गई थी क्योंकि हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट की थी, तो बस बहुत कंफर्म नहीं हुई थी, टीटी से बहस हुई, फिर टीटी को मनाया, फिर टीटी ने हमें रुलाया थोड़ा सा, लेकिन हमने काम कर दिया था। पर यहाँ के टीटी बहुत बहुत बदतमीज है, मतलब समझते नहीं है किसी की फीलिंग। गाइस हम लोग अंबाला पे पहुँच चुके हैं और मैंने जूसेस लिए, अब हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। पड़े पड़े बोर हो गए, कैसा लग रहा है, कितनी देर और लगेगी? आपने जो क्यों और इन्ने तो भाई अपनी क्या बोलते हैं स्मार्ट वॉच वॉशरूम में टांग दी, वो कुछ उठा लेगा, इन्हें 15 मिनट बाद ध्यान आई, तब तक तो गायब हो गई। इतनी देर से कह रहे हैं मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन बार बार घड़ी की कह रहे हैं इतने की आई थी, ये फीचर था वो फीचर था, तो इनको तो ये जर्नी 2000 से ऊपर की पड़ गई है। हेलो पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा ही टाइम रह गया है, देखो क्या हालत हो गई हम लोगों की, बाहर काल देखो, ये अंशुल खड़े हैं देख रहे हैं और वो जीजा जी बैठे हुए हैं, बस अगला स्टेशन आएगा उतरने के लिए तैयार है। अंशुल ले अंशुल बैग पकड़ो, चलो आ गई स्टेशन, आ गई जल्दी। तो फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं, बहुत तेज ट्रेन चल रही है, हवा आ रही है, हवा की आवाज सुनाई दे रही होगी आपको, बस 5 मिनट की दूरी पे हमने सारा सामान तो मंगा लिया, यहाँ पे देखो कितने सारे बैग हो गए। फाइनली हम लोग उतर गए हैं नाबा में, बहुत टाइम लगा भाई, अब बहुत थक गए हैं, देखो सारे लोग आज भाई गिन लो लोग कितने एक हाथ हो जाएगा तो पता चल जाएगा। इतने गाइस बहुत तेज धूप है, बहुत ज्यादा तेज, सब जले जा रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। और ये है स्टेशन गाइस, फाइनली हम लोग आ गए हैं और अब हम लोग जाने वाले हैं अंदर, कैसा लग रहा है? धूप है इसलिए मैंने ये लगा रखा है। चलो वीडियो का एंड करें हमारे घर पे, और बता तो दो कहाँ आई हो? नाबा अपने भाई के पास शादी है और हमारे भतीजे की शादी।